है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने एजुकेशन चैनल से कितना कमा लेता हूं, आप कितना कमा सकते हो यदि आप एजुकेशन चैनल को स्टार्ट करोगे। तो एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना सही होगा या फिर नहीं होगा आपको इस वीडियो में पता चल जाने वाला है। जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला थिंग हमारे माइंड में यही आता है कि आखिर यहाँ से हमारा कमाई कितना होगा। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को आप वॉच जरूर किया कीजिए, क्योंकि वहां से आपको 100% नॉलेज मिलेगा। मैं एक सप्ताह में अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कोई भी वीडियो आपके सामने आता है आप उसे पूरा वॉच कीजिए, आपको वहां से 100% नॉलेज मिलेगा। थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ इसलिए मैं बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, तो 31 जुलाई के बाद आपको लगभग रेगुलरली वीडियो मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हो। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक को आपको पूरा पता नहीं होगा इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमने पूरा अभी तक बात किसी भी वीडियो में नहीं करा है, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यूट्यूब से कितना कमा लेता हूँ और कितने तरीके से कमाता हूँ, सारा कुछ बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप यूट्यूब से कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा। जैसे आप YouTube चैनल बनाते हैं तो YouTube की तरफ से आपको एक चैलेंज दिया जाता है, वो चैलेंज सभी को पता है कि 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करने को बोला जाता है, और देखिए आपको अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसे कैसे कंप्लीट करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह का वीडियो आपको अपने चैनल पर अपलोड करने चाहिए ताकि आपके चैनल पर बहुत अच्छा खासा व्यू आएगा, मैं सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत से लोग करते क्या है कि सारे वीडियोज को नहीं देखते हैं, जिसके कारण इस वीडियो में भी बहुत से लोग कमेंट कर चुके होंगे, सर मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आते। तो प्लीज आप उन वीडियोज को जरूर देखा कीजिए, उसके बाद कॉमेंट कीजिए आपके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ठीक है, रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आते हैं कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो देखिए, यदि आप भी रेगुलरली फॉलो करेंगे जो भी मैं टिप्स देता हूं, तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। कुछ लोगों का तो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर देता हूं ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होकर के अपने चैनल पर काम करें। तो मैं कहां था, तो देखिए आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और ये सारा चीज आपको मात्र कितने दिन में करना है, तो लास्ट 365 दिन में करना है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट 365 दिन का मतलब ये नहीं कि आपको एक साल में ही कंप्लीट करना है, आप यहाँ पर 10 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन 365 दिन का ही काउंट होता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। जब आप अपने YouTube चैनल को स्टार्ट कर लेंगे तो आपको काम कैसे करना है, आखिर वीडियो कैसे बनाना है, इसके ऊपर में आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा वीडियो मिल जाएगा, कैसे काम करना है, कैसे चैनल को ग्रो करना है, सारा चीज के ऊपर ऑलरेडी वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, वीडियो बनाने के लिए आपको खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। 200 से 300 में आप आराम से अपना एजुकेशन चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही एडवांस लेवल का वीडियो बना सकते हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यदि आप हमारा माइक यूज करना चाहते हैं, मैं किन गैजेट्स का यूज करता हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, माइक कौन सा है, पेंटैप कौन सा है, मैं अभी लैपटॉप से बनाता हूँ तो आप लैपटॉप भी देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल से भी बहुत ही अच्छा एजुकेशनल वीडियो बनता है, मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ कि किस तरह का एजुकेशन वीडियो आप मोबाइल से बना सकते हैं, तो सारा कुछ बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको अपने चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए भेजना होगा, ठीक है। तो मोनिटाइजेशन के लिए भेजने के लिए सिंपली देखिए, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, काम करते टाइम जब आप YouTube पर काम करेंगे तो आपको किसी का कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी का ना तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है, ना ही किसी का कंटेंट अपने वीडियो के अंदर में डालना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ आपका अपना होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज आप कितना भी मेहनत कर लें आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और देखिए, आपको YouTube पर काम करते टाइम कभी भी वीडियो को शेयर नहीं करना है, जो लोग वीडियो को शेयर नहीं करते उनका चैनल 100% ग्रो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, सिर्फ YouTube पर अपलोड करके छोड़ दीजिए, भले ही 10-15 ही व्यूज आते हैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके रियल व्यूज हैं, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता है, बस रेगुलर बेस पे आप वीडियोज अपलोड करते रहिए, 100% एक ना एक दिन आपका वीडियो वायरल होगा ही होगा। तो देखिए, जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए भेजना होता है। मोनेटाइजेशन में देखिए, यूट्यूब आपके चैनल को
वॉच करेगा कि आपके चैनल पर किसी भी तरह का स्ट्राइक तो नहीं है, यानी जो यूट्यूब का गाइडलाइन है उसको फॉलो करता या फिर नहीं करता। यदि आपका चैनल फ्लो करता होगा तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा 4 से 5 दिन में, और आप तुरंत से क्या कर सकते हो, यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। तो पैसे कमाना बहुत ही आसान है यूट्यूब से। आप देखिए आपका चैनल आखिर मोनेटाइज कितना दिन में हो जाएगा, बहुत से लोग पूछते हैं। तो जो मैं टिप्स देता हूँ, यदि आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका चैनल 5 से 6 महीने में आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 5 से 6 महीने यहाँ पर रेगुलरली काम करना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने एजुकेशन चैनल से कितना पैसा कमा लेता हूँ। तो देखिए मैं अपने एजुकेशन चैनल से 2 तरह से पैसा कमाता हूँ। पहला तो हो गया एडसेंस। एडसेंस मतलब आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब की तरफ से जो पेमेंट दिया जाता है उसे हम एडसेंस की ओर से पेमेंट बोलते हैं। और देखिए एक और तरीका से मैं यहाँ पर कमाता हूँ, स्पॉन्सर के जरिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यू जाने लगता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्पॉन्सरशिप होता क्या है, तो कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाती है आपसे, और उसके बदले में आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो मेरा 2 तरीका से कमाई होता है, पहला हो गया एडसेंस और दूसरा हो गया स्पॉन्सरशिप। तो मैं आपको बताता हूँ इस महीने का, जो अभी जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है, जुलाई में मुझे कितना कमाई हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के YT स्टूडियो पर। तो देखिए मैं अपने जुलाई मंथ का अर्निंग प्रूफ दिखाने के लिए आ चुका हूँ अपने मोबाइल के YT स्टूडियो पर। तो सिंपली हम व्यूज में क्लिक कर देंगे। ठीक है, व्यूज में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको जुलाई मंथ को सेट करके दिखाता हूँ। ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट 28 डेज, तो हमें जुलाई मंथ का चेक करना है। तो सिंपली हम इसमें क्लिक करेंगे और जुलाई मंथ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में टोटल व्यूज कितने मिले हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो टोटल व्यूज जो हमारा मिला है 3,95,845, यानी क्या मान लीजिए कि 3,96,000 मुझे टोटल व्यूज मिले थे। कब, जुलाई मंथ में। आखिर 3,96,000 का टोटल अर्निंग कितना हुआ ये आप पता कर लीजिए। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि आखिर यहाँ से कमाई किस तरह का होता है, कितना व्यूज पर कितना डॉलर मिलता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल व्यूज आई थिंक 3,96,000 था। तो अब हम देख लेते हैं आखिर 3,96,000 का पैसा कितना मिला है। तो फिर से हम अर्निंग में जाकर के जुलाई मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए जुलाई मंथ का हमारा अर्निंग कितना हुआ है। तो अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो है, वेट कीजिए। तो देखिए जुलाई मंथ का हमारा टोटल एडसेंस का अर्निंग यानी यूट्यूब की तरफ से मुझे $144.16 ही मिले हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब ये जो मंथ अभी चल रहा है जुलाई है, तो जुलाई मंथ में बहुत ज्यादा कमाई नहीं होता है। जब हमारा सितंबर अक्टूबर का मंथ आता है तो उस समय बहुत ज्यादा कमाई होता है। ठीक है, एड्स का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। अभी जो है अर्निंग थोड़ा यहाँ पर डाउन चल रहा है, नवंबर दिसंबर रहता तो इतना व्यूज का कम से कम मुझे $200 आराम से मिल जाता कोई। और देखिए ये तो हमारा हो गया एडसेंस की कमाई कितना हो गया। तो एडसेंस की कमाई आप यहाँ पर देख सकते हैं $144, $144 को आप सिंपली 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा कि इंडियन रुपीज में कितना कमाई हुआ। ठीक है, और देखिए एडसेंस से मुझे कितना कमाई हुआ है, तो एडसेंस से जो मुझे कमाई हुआ वो 16,500 रुपये कमाई हुआ है। तो एडसेंस से हो गया 16,500, और बाकी आप $144 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए डॉलर का जो वैल्यू है 79.79 का रेट चल रहा है, यानी एक डॉलर बराबर कितना रुपया है, 79.79 रुपया चल रहा है। तो 144 को आप 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, तो रुपीज में इसका वैल्यू हो जाएगा, और आप 16,500 को ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे जुलाई मंथ का अर्निंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रेगुलरली वीडियोज अपलोड कीजिए। और देखिए एजुकेशन चैनल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप यदि एजुकेशन कैटेगरी पर वीडियोज बनाते हैं तो आप देखिए पढ़ाई लिखाई का जो चीज है उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, उससे आप दूर नहीं भागेंगे। यदि आप किसी अदर कैटेगरी पर काम करेंगे तो आप जो है पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे दूर भागते चले जाएंगे। तो आप एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने का फायदा यही है कि आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। और देखिए इस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका टाइम लगेगा 2 से 3 घंटा वो PDF को बनाने में और वीडियो को रिकॉर्ड करने में ही लगेगा, उससे ज्यादा यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप देखिए यूट्यूब के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं।